आगरावासी बंदरों के आतंक से पीड़ित हैं और यही वजह है कि आगरा की एक संस्था की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें प्रशासन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है और 9 कहा जाए जो संस्थाएं हैं उनको इसके लिए नोटिस सर्व करते हुए उनसे जवाब मांगा गया है कि आखिर इन बंदरों के आतंक से निजात पाने के लिए प्रशासन क्या एक्शन प्लान बना रहा है। दरअसल जो अधिवक्ता केसी जैन ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL दाखिल की है जिसमें कहा है कि आगरा में कि एक अनुमान के मुताबिक 30,000 से ज़्यादा बंदर हैं, खासकर कई सारे बंदर ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति के हैं और आए दिन लोगों पर हमला करते हैं और कई सारी घटनाओं का जिक्र किया गया है, चाहे वो रोनक्षा क्षेत्र में एक बच्चे की गिरकर नीचे मौत होने का मामला हो जो बंदर के झपट्टे से उस बच्चे की जान गई है, या और भी कई सारी घटनाएं हैं जिसमें लोग घायल हुए हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये SN मेडिकल कॉलेज का बिल्कुल का है, एंट्रेंस पर मैं खड़ा हुआ हूँ, बड़ी संख्या में यहाँ बंदर हैं, आए दिन जो पेशेंट तीमारदार यहाँ पहुँचते हैं उनके साथ कोई ना कोई कहा जाए ये बंदर हमला करके उनको घायल करते रहते हैं, कोई ना कोई घटना उनके साथ होती रहती है। तो इससे समझा जा सकता है कि एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि बंदरों के आतंक से आगरा के लोग कितने ज़्यादा पीड़ित हैं और यही वजह है जो PIL इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई है उसमें नगर निगम वन विभाग समेत 9 पार्टियों को नोटिस हाईकोर्ट ने जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है और साथ ही सवाल ये भी पूछा है कि वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत ये जितने बंदर वन्य जीव में लिस्टेड हैं तो ऐसे में मंकी रेस्क्यू सेंटर क्यों नहीं बनाया जा रहा है। तो इसको लेकर अब जवाब जो नेक्स्ट हियरिंग है उस पर प्रशासन को देना है। तो कुल मिला के कहा जाए आगरा में मंकी मीनेस एक बहुत बड़ी समस्या है और आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर आगरा की संस्था की तरफ से जब एक याचिका दाखिल की गई है तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आगे चलकर प्रशासन जागेगा और कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा तैयार करेगा जिससे लोग बंदरों के आतंक से वो लोगों को निजात मिल सकेगी। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।